आपने अक्सर देखा होगा कि आप कुछ लोगों को मैसेज भेजते हैं तो आपके मैसेज ब्लू टिक नहीं होते, मगर वो आपके मैसेज का जवाब दे रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा बाज़ लोग आपके जो स्टेटस हैं वो भी देखते हैं और आपको पता नहीं होता कि वो आपके स्टेटस देख रहे हैं। वो आपको फ़ोन करके कहते हैं कि आपने ये स्टेटस लगाया है, तो आप तो कहते हैं कि आपने मेरा स्टेटस देखा भी नहीं है, तो आपको कैसे पता है? तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, आए मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह इसकी सेटिंग की जाती है और ये किस तरह से मुमकिन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके, और वीडियोस पर आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और आएँ आप चलते हैं सेटिंग की तरफ। इस सेटिंग के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो मैसेज ब्लू टिक ना हो और ना ही किसी को पता चले, इसके लिए आप सेटिंग व्हाट्सएप में जाएंगे, उसके बाद सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद आप अकाउंट्स में जाएंगे, अकाउंट में जाने के बाद आप प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद ये रीड पर लिखा हुआ है, ये आप पढ़ रहे हैं रीड एक्सेप्ट, ये ऑन है, इसको आप ऑफ़ कर देंगे। इसको ऑफ़ करने से ना तो वो आपका मैसेज वो है ब्लू टिक होगा और ना ही अगर आप किसी का स्टेटस देख लें तो उसको पता चलेगा। आपने इस सेटिंग को ऑफ़ कर देना, तो अगर ये आपकी ऑन होगी तो आपके जो मैसेज जिसको जा रहे हैं वो ब्लू टिक होंगे, अगर आपने ऑफ़ की होगी तो ब्लू टिक नहीं होंगे। इस सेटिंग को आप चेंज कर दें, ऑफ़ कर दें, तो ये आपका ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, सॉल्यूशन का भी हल हो जाएगा।